प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदतें, घर में आने जाने की सुन्नतें और आदाब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाते तो दाएं कदम से दाखिल होते हुए बा आवाज़ बुलंद सलाम किया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचते तो तमाम अहले खाना की खैरियत पूछते और कुछ खाने पीने से पहले मुंह हाथ धो लिया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अस्हाब के घर जाते तो दस्तक देकर इंतज़ार फरमाते और तीन दस्तक तक जवाब न मिलने पर लौट जाया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर जाते तो साहिब खाना के सवाल पर अपना नाम बताते हुए अंदर दाखिले की इजाज़त लिया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब के घर तशरीफ़ ले जाते तो सलाम में पहल किया करते और अहले खाना की फर्दन फर्दन खैरियत पूछते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले दरवाजे से झांकना सख्त नापसंद फरमाते और किसी के घर दाखिल होते हुए निगाहें नीची रखा करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़बान के घर में ताक झांक और इसके घरेलू इंतज़ामी मामलात पर तनकीद करने से मना फरमाया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे के बग़ैर किसी के घर तशरीफ़ ना ले जाते और मेज़बान जितनी भी खिदमत करता खुशी से कबूल फरमाते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हुए दुआ सलाम करते और बाएं कदम बाहर रखते हुए फरमाते, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। इस ब्रोशर के फवायद, 101 मरतबा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिलेगा, 18 इकसाम की सुन्नतों और आदाब से आगही हासिल होगी, 110 से ज़ायद सुन्नतें और आदाब सीखने का मौका मिलेगा, सुन्नतें सीखकर दूसरों को सिखाने का मौका मिलेगा, नाख्वानदा अफराद और बच्चों को पढ़कर सुनाया जा सकता है, अहबाब को तोहफे के तौर पर पेश किया जा सकता है, शादी बियाह और दीगर तकरीबात में तकसीम किया जा सकता है, बनियत ईसाल सवाब मसाजिद और महाफिल में तकसीम किया जा सकता है।